हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी सीजीएल का पेपर हो चुका है, तो उसका मैं एक ऊपर ऊपर से आपको रिव्यू दूंगा कि पेपर किस तरह से आया। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो पेपर से घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एक एक सेक्शन वाइज मैं चलूंगा। मेरी जिससे बात हुई थी, जो अभी पेपर देकर आए थे, उनका फर्स्ट अटैम्प्ट था और उन्होंने शायद 77 अटैम्प्ट किए हैं, और उनके हिसाब से पेपर मुश्किल नहीं था, ठीक है। पेपर को आप मॉडरेट से ईजी लेवल की तरफ ही रखेंगे, मुश्किल पेपर नहीं था, ये चीज़ तो क्लियर हुई हमारी। लेकिन अब ये देखो डिपेंड करता है, जिससे मेरी बात हुई उसने किस तरह से चीज़ों को देखा। लेकिन जो भी चीज़ें मैं आपको थोड़ा डिटेल में लेके ले जाऊंगा और चारों सेक्शंस के बारे में बताऊंगा, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में क्लॉक कैलेंडर के क्वेश्चंस अगेन नहीं थे, जो बहुत टाइम से नहीं पूछ रहे। वाटर इमेज के ऊपर एक क्वेश्चन, मिरर इमेज के ऊपर आपका एक क्वेश्चन था जिसमें अल्फाबेट्स रखे थे, ठीक है, उनकी मिरर इमेज बताएंगे, तो वो सिंपल था, ठीक है। काउंटिंग फिगर्स की अगर हम बात करें, उसमें रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन था, रेक्टेंगल 4-5 अटैच कर रखे थे और आपको बताता था फाइनली टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे। तो मतलब एक मिनट के अंदर आप आराम से उस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। ओवरऑल बात करूँ रीजनिंग सेक्शन की, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के हो सकता है कि दो क्वेश्चन आपको परेशान करें, बाकी मुश्किल नहीं थी रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, तो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स की जो वेटेज रही वो लगभग 4-5 नंबर की रही, जो मुझे पता चला। और बाकी बहुत मुश्किल क्वेश्चंस भी यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में नहीं पूछे जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि कुछ बिल्कुल ही ऐसा पूछ लिया कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है। पिछली बार हो गया था, नेबरिंग कंट्री के क्वेश्चन आने लग गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं। जनरल अवेयरनेस डुएबल है। एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ। एक क्वेश्चन शायद ये था कि जो ईयर में कौन सी मसल नहीं होती। एक ये पूछा था ड्राई आइस से कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन था। एक था करतार कॉरिडोर के बारे में कि किसने उसका इनॉग्रेशन किया था। और एक क्वेश्चन आपका जो मुझे पता चला अभी साहित्य एकेडमी अवार्ड के बारे में था, शायद जो शशि थरूर जी को मिला था। तो ये सारे क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हमारे इसमें बायोलॉजी में, जनरल अवेयरनेस में। और बहुत ज़्यादा मुश्किल जनरल अवेयरनेस भी यहाँ पे नहीं पूछी जा रही, ठीक है। डुएबल है जो मुझे रिव्यू से पता चला है। बाकी शाम तक तीनों शिफ्ट का रिव्यू आ जाएगा, तो मैं एक डिटेल रिव्यू भी आपको दूंगा, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको पता चले। बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए जो अभी लोग पेपर देने वाले हैं उनके लिए। करंट अफेयर्स की बात करें, तो पिछले 3-4 महीने के आप मान के चलो वो सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। मैंने पहले ही कहा था आपको दिसंबर जनवरी के सबसे ज्यादा रेलिवेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए, और पिछले 6 महीने के जिन्होंने करे हैं, तो मेरे ख्याल से उन्हें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज भी बना रखे मैंने करंट अफेयर्स के लिए, वो आप चाहो तो देख सकते हो। बाकी करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, पिछले महीने के जो पूछे गए 4-5 महीने में लगभग वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें क्वांट सेक्शन की, हम लोगों को सबसे ज्यादा डर किसमें था, क्वांट सेक्शन में, कि बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं आ जाएगा, लेकिन क्वांट सेक्शन इस बार बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पूछा जा रहा, ठीक। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आ रहा। प्रॉफिट एंड लॉस के भी सिंपल क्वेश्चन आए, जिसका डर था कि ज्यादा कैलकुलेटिव ना बना दी जाए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन थे प्रॉफिट एंड लॉस के, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं थे। डीआई की बात करें, डीआई में क्वेश्चन किस तरीके से था, देखो कुछ कार्स दे रखी थी पर्टिकुलर, जैसे पहले पूछे जाते हैं कि 2015, 2016, 2017, मतलब ऐसे कुछ के डीआई का क्वेश्चन था। एक कुछ 4-5 साल दे रखे थे, उसके अंदर उसको प्रोडक्शन वगैरह बता रखा था। आपको बताना था कि वो एक परसेंटेज के से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं उसमें, कि किसका ज़्यादा रहा, किसका कम रहा, किस पर्टिकुलर ईयर में, अलग अलग प्रोडक्शन कंपनीज रखी होंगी। तो मतलब कार से रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब डीआई का कोई नया क्वेश्चन नहीं था और मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। डीआई का इजी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया, ठीक। और मैथ सेक्शन में सीआई का शायद क्वेश्चन नहीं था, आपका सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन बना था, ठीक है। थोड़ा सा शायद लेंथी रहा हो वो करके, अभी हम देखेंगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन मैथ्स बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव यहाँ पे नहीं पूछी जा रही, ठीक है। मतलब पैटर्न बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक। तो मुश्किल ज़्यादा नहीं है पेपर, इस चीज़ का आप ध्यान रखो। बाकी और बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन के बारे में, कि इंग्लिश सेक्शन में कैसे चला। देखो इंग्लिश सेक्शन में पैराजंबल्स के आपके दो क्वेश्चन देखने को मिले। आपके पास जो आया था क्लोज टेस्ट आया था, कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया इस बार, क्लोज टेस्ट ही आपके एग्जाम में पूछा गया था यहाँ पे, तो हो सकता है आने वाली शिफ्ट में भी क्लोज टेस्ट ही पूछा जाए। उसके बाद एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव का भी था शायद, और एक क्वेश्चन नरेशन का भी था, ठीक है। एक आधा वेरिएशन कुछ आया हो इसमें तो कह नहीं सकते, लेकिन जो मेरी बात हुई है यही पता चला कि एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव का, एक क्वेश्चन नरेशन का, क्लोज टेस्ट आया था, कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया था, और पैरा जंबल आए थे, और इंग्लिश सेक्शन भी डुएबल था। तो ओवरऑल मैं बात करूं पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं आ रहा। मतलब किसी को भी ये मान के तो नहीं जाना कि अब ये चीज़ें पढ़ लें बहुत मुश्किल चीज़ आ रही है, नहीं, ठीक है। पेपर डुएबल है, अच्छे से पेपर को दो। अभी थोड़ी देर में मैं मेमोरी बेस्ड कराना स्टार्ट कर दूंगा। ये छोटा सा रिव्यू था, जो मुझे पता चला मैंने वो रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ठीक है। जैसे ही थोड़ी देर में मेमोरी बेस्ड आने स्टार्ट कर दूंगा मैं, तो वो सारी वीडियो जरूर देखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में आपसे यहीं विदा लेता हूँ, और बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।